सकती है ये। अर्जुन के गले में वो लॉकेट कैसे आया? कौन बताएगा हमें ये? कौन देगा हमें इन सवालों के जवाब? अमृता, तुम्हारी माँ सुलझाएगी तुम्हारी उलझनों को। इस वक्त हम काले जादू के बारे में नहीं सोच रहे माँ, हम तो ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि वो लॉकेट अर्जुन के गले से हम कैसे हासिल करें। अमृता, तुम्हारे लिए धनतेरस की रात बहुत शुभ है। धनतेरस की रात? उस रात को अर्जुन के गले से वो लॉकेट निकाल लेना। रात 11 बजे से 12 बजे के बीच चंद्रमा मंगल ग्रह से निकलकर बृहस्पति में प्रवेश करेगा और उसी एक घंटे में आपको अर्जुन के गले से लॉकेट निकालना होगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी, लेकिन ध्यान रहे अमृता, उसके पहले कोई भी कदम मत उठाना वरना तुम खतरे में पड़ सकती हो। लेकिन माँ, एक घंटे में हम ये काम कैसे करेंगे? और हमें ये भी नहीं पता कि उस एक घंटे में अर्जुन हमें अकेले मिलेंगे भी या नहीं। चिंता मत करो अमृता, हमें तुम पर पूरा यकीन है। जिस तरह तुमने रुद्रा की आत्मा के पहले हिस्से को नष्ट किया, तुम उसकी आत्मा के दूसरे हिस्से को भी नष्ट कर दोगी। काश माँ, काश जो विश्वास आपको है वो हम में भी होता। बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। हम चलते हैं। ईश्वर ने आपकी किस्मत में थोड़ी और जिंदगी लिख दी है रुद्र काका साहब। अब आप धनतेरस की रात का इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार करते हैं। बड़े दिनों से बड़ी शांत बैठी हो, कोई चाल नहीं चली हमारे परिवार के खिलाफ। हम तो आपके नई चाल का इंतजार कर रहे हैं। दादी साहब, इस परिवार के लिए जितनी चिंता आप करती हैं उतनी फिक्र हमें भी है, इसीलिए हम पर यह शक मत कीजिए कि हम इस परिवार को बर्बाद करना चाहते। अमृता की खामोशी हमें किसी खतरे का अंदेशा दे रही है बेटा। कुछ नहीं होगा मासा। होना भी नहीं चाहिए बेटा, वो लॉकेट सुरक्षित तो है ना? हाँ मासा,
बिल्कुल सुरक्षित है। आज धनतेरस है, आज हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा। सावधान रहिएगा बेटा, इस लॉकेट से हमारी बेटी की जिंदगी जुड़ी है, ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए मासी, वो लॉकेट बिल्कुल सुरक्षित है। आज धनतेरस के बाद अमावस्या होगी, यही सही समय होता है शैतानी शक्तियों के लिए, और हम ये चाहते हैं कि कल का सूरज अमृता के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ लेकर आए। जय महाकाल। वो अपने आप को बहुत समझदार समझती है ना, आज उसकी समझ में आएगा कि नागिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले इंसानी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती। जय महाकाल। अर्जुन अर्जुन, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो ना, लेकिन अब तुम ही उसके सबसे बड़े शत्रु होगे। वो जैसे ही तुम्हारा तावीज लेने की कोशिश करेगी ना, तुम उसकी हत्या कर दोगे। ये हमारा प्रतिशोध है। अब हमारी शक्तियों के कारण तुम उसे ही खोदोगी जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। एक तीर से दो शिकार किए हमने, दो शिकार। तुम भी खत्म हो जाओगी, और उस तावीज में जो शैतानी आत्मा है वो हमारे दूसरे दुश्मन रुद्रा को भी खत्म कर देगी। बताओ हमें, बताओ हमें, वो कौन है जिसने हमारी आत्मा का एक हिस्सा नष्ट किया है? कौन है वो, कौन है वो जो हमें मारना चाहता है? वो एक इच्छाधारी नागिन है, छोटी सी बच्ची है पर बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली? क्या वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, उसने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया। कर्म, सुख, मृत्यु, मोक्ष, मोक्ष का मार्ग पुण्य। जब तुम हमारे किसी काम के नहीं तो फिर तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हम जानते हैं, जानते कि वो बच्ची और कोई नहीं, और कोई नहीं हमारी दुश्मन है, दुश्मन है। वो वही इच्छाधारी नागिन है जो हमारी जान लेना चाहती है।